गोपालगंज पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोढ़ा गिरोह के 3 सदस्य को हजियापुर के एक किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि बैंक के से रुपया निकालने एवं रुपया लेकर घर जाने के क्रम में लूटपाट एवं छिनतई की घटना में अचानक वृद्धि को देखते हुए एसपी द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसने तकनीकी शाखा के सहयोग से गिरोह के इन 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 बाइक, 1 लाख से ज़्यादा रुपया एवं 5 मोबाइल तथा 2 बैग बरामद किया गया है। इन्होंने नगर थाना कुचायको तथा भोरे आदि कई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोपालगंज। पिछले एक महीने से गोपालगंज जिले में कोढ़ा गिरोह सक्रिय था और ये पूरे जिले में अलग अलग जगहों पे घूम घूम कर 3 घटनाओं को अंजाम दिया था। पहली घटना इन्होंने कुचायकोट थाना के ससा क्षेत्र में किया था, 50,000 रुपये की लूट छिनतई की थी। उसके बाद 10 फरवरी को इन्होंने भोरे थाना क्षेत्र में 50,000 का छिनतई किया था। उसके बाद इन्होंने नगर थाना क्षेत्र में SBI बैंक जो हेड ब्रांच है उसके सामने 1 लाख रुपये का लूट किया था। और हम लोगों ने इसमें दोनों SDPO के नेतृत्व में एक ज्वाइंट टीम का गठन किया था, इसमें तीनों थाने के थानाध्यक्ष लोग भी शामिल थे। और इसमें CCTV फुटेज निकाला गया था और तकनीकी असूचना के आधार पर, मैनुअल इनपुट के आधार पर इसमें 4 अपराधियों की पहचान की गई थी। उसमें से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, 3 बाइक बरामद किया गया है जो बाइक संभवतः लूट में प्रयुक्त हुआ है। एक पल्सर 220C है, पल्सर 150C है और एक होंडा शाइन है। और इन तीनों अपराधियों के पास से एक 1.5 किलोग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया है। 1,03,405 रुपए की बरामदगी की गई जो संभवतः लूट किए गए पैसे का ही हिस्सा है। इनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। तीनों अपराधी कटिहार जिले के कोढ़ा थाने के रहने वाले हैं। तीनों अपराधियों का काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है, लूट छिनतई या लूटपाट का। पूर्णिया से ये लोग जेल गए हैं, उत्तर प्रदेश के कोतवाली बल्लिया थाने से भी जेल गए हैं। और SIT में जो शामिल पदाधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की है और कटिहार जिले में भी हम लोगों ने टीम गई की रेड किया है। और सूचना सेल के प्रभारी दिनेश यादव और प्रवीण कुमार सिंह, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। बाकी तीनों थानाध्यक्ष कुचायकोट थाना, भोरे थाना और नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर ललन कुमार, कुचायकोट थानाध्यक्ष किरण शंकर और भोरे थानाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। दोनों SDPO भी शुरू से इस घटना को ध्वजन में लगे रहे थे और इसी क्रम में ये सफलता हम लोगों हाथ लगी। गोपालगंज में कहाँ कहाँ ये लोग लूट किए हैं? जैसा मैंने बताया, पहली घटना 24 जनवरी को कुचायकोट थाना के सासामुसा क्षेत्र में की गई थी। दूसरी घटना इन्होंने इसी गिरोह ने 10 जनवरी को भोरे में किया और 20 फरवरी को नगर थाना क्षेत्र में किया। फुटेज के आधार पर पहचान किए गए टोटल 4 लोग थे, उसमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है। ये कहाँ से कार्रवाई की गई है सर? ये 2 लोगों की गिरफ्तारी नगर थाना क्षेत्र से की गई है। हजियापुर के पास ये लोग डेरा लेके रहते थे और ये काफ़ी दिनों से रह रहे थे और हम इनसे और पूछताछ कर रहे हैं कि और भी आसपास के जिलों में भी इनके जाने का लोकेशन प्राप्त हुआ है, तो और पूछताछ करेंगे रिमांड पे लेके कि और भी कहां कहां घटना को अंजाम दिया। हमारे 3 घटनाओं का उद्भेदन हुआ है, इसमें से फुटेज आया था, इनका फोटो आया है, जो बाइक इनके पास से बरामद हुई वही बाइक भी हमारे फुटेज में भी निकल कर आया है और इनका लोकेशन भी आया है। हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है और कन्फेशन के आधार पर पैसे की 1,03,000 रुपये की बरामदगी की गई है।